आपको बताएं कि पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल होगा। मुस्लिम लीग नून ने तमाम अरकान सूबाई असम्बली को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी है। अलीम खान जहांगीर तरीन ग्रुप, मलिक असद खोखर ग्रुप के अरकान को भी लाहौर पहुंचने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा। का हंगामा खेज इजलास कल होगा, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने हदायत जारी की हैं कि तमाम अरकान सूबाई असम्बली आज जो है वो लाहौर पहुंच जाएं। ज़राए का कहना है कि अलीम खान ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप और मलिक असद खोकर ग्रुप के अरकान असम्बली को भी हदायत की गई है कि वो भी आज जो है वो लाहौर में ही पहुँच जाएँ ताकि कल पंजाब असम्बली के इजलास में जो है वो शिरकत की जा सके। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी जो है वो आज तलब कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के जो ग्रुप लीडर्स हैं, जो 10 से 12 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक ग्रुप बनाया हुआ है, उन तमाम ग्रुप लीडर्स को हदायत की गई है कि वो अरकान असम्बली की जो है वो गिनती को मुकम्मल करें और कल मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ जो है वो पंजाब असम्बली जाना है। इजलास मुस्लिम लीग नून के ज़राए का कहना है कि कल का होने वाले इजलास में ये खदशा है कि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ की जानिब से लड़ाई या जो है वो कोई ना कोई रुकावट डाली जा सकती है। इसी के पेश नज़र जो है वो तमाम अरकान असम्बली को हदायत की गई है कि वो कल होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत को यकीनी बनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपडेट किया।